है इसका पति बिहारी, जिसका बेटा है ये आशु, बिहारी लड़का है वो, बिहारी हाँ आदमी, सॉरी लड़का कह दिया। उसका पति है, जिंदा है उसका पति, कैसे देखो। हाँ हाँ, इसके पास कुआरी तो बच्ची पूछ रहती मत, है। अभी दूध पीती बच्ची हाँ है ये, अभी अभी हाँ सील भी नहीं टूटी इसकी, अरे सील भी नहीं सील टूटी नहीं टूटी, बेचारी की। यारों से ऐसे सुधवा लेती है। नहीं, राठी गया तो था, राखी बांध के आया था, हाँ राखी बंधवाई थी राठी से। सील चल बांधवाई थी, छोड़, बांध वो रहने दे, करती है। मैं बस यही कह रही हूँ। वो बस बच्चों तक मत जा, तू अपनी ना इनकी तरह तू मत गिर, मेरा यही कहना है, तू मत गिर इनकी तरह, इन्हें गिरने दे, बच्चों को मेरी लेकर इन्हें बात सुनो, गिरने दे। अब ये लोग और तो कुछ कर नहीं पा रहे, अब ये लोग बेवाओं रांडों की तरह ना, जैसे रांडे नहीं होती वैसे हाँ हाँ बंधुआई हाँ हाँ देने बैठ जाते हैं। तेरे बच्चे को ये हो जाए, तेरे बच्चे को वो हो जाए। तेरा बच्चा तो अभी तक दुनिया में आया नहीं, पनौड़ी दल्ले, तूने तो मादर चौक लट्ठे मार मार के बाथरूम के मोड़ में ही बच्चे बहाते रहना। ठीक है, तू असल तो बच्चा तेरा किसी के पेट से तो निकलना नहीं, क्योंकि तू गल्ला है ही गंडवा, मुट्ठे मार मार के ना सारे नालियों में ही खा लेते तेरे बच्चे। तूने शायद वो लाइफ देखी नहीं होगी। एक वक्त था जब कहा गया था तेरे बेटे को मैं ही अमेरिका से कंट्रोल करूंगा, तांत्रिक करवाऊंगा उसके ऊपर, तांत्रिक। और उस टाइम ये जो बैठी है ना, ये नचनिया, इसने बोला था मैं करूंगी सपोर्ट, इसमें तांत्रिक करवा के उसके बेटे को यूके में पागल करेंगे हम दोनों। मैंने वो लाइफ भी देखी है, तब भी हम किसी के बच्चे को गलत नहीं बोलते। मैं कहती हूँ बहुत लंबी उम्र दे बच्चों को, अच्छा उनको वो दे, ठीक है, बच्चे का कोई कसूर नहीं है, माँ गलत काम करेगी तो बच्चों पे नहीं सीधी जाना बात है, चाहिए। मैंने जिस टाइम ये सुनी है ना, मुझे किसी ने ये वॉइस नोट भेजा रिकॉर्डिंग, एक तो बीच में भेजने वालों को भी शर्म करनी चाहिए कि तुम मिला ही लोग जानबूझ के भेज कर ये मजाक चाहते हो कि अपनी इसको बीवी लगाओ और ये सीखेगी, और निकाल। चलो एक लाइव अच्छी चल जाएगी। तुम्हें पता है कि जब वो मुंह से टट्टी निकाल रहा है, वो मेरे बच्चे के लिए कह रहा है कि वो मर जाए, तो तुम लोगों को पता है कि मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी ये चीज सुन के। तो उसके बाद मैं किसी चीज की परवाह क्यों करूं, मेरी तरफ से तो सारी दुनिया मर जाए, सारी दुनिया को आग लग जाए। जो मेरे कलेजे को पड़ता है ना, अल्लाह करे उसको ऐसी मौत आए कि वो उसको पानी तक ना नसीब हो। जो मेरे कलेजे को पड़ता है, जो मेरे पेट से निकाले हुए को पड़ता है ना, उसको तो अल्लाह करे मौत ऐसी आए कि उसको कोढ़ होके वो मरे, और उसके चार उसके प्यारे भी कोढ़ होके मरे। बच्चों बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं। पहले उस कंजरी ने उठ के जो है इतना गंदा गंदा बोला, इतना गंदा गंदा बोला उसके। तुम लोग बुड्ढो बुड्ढो आपस में लड़ाई करो, तुम लोग बच्चे के पीछे किस लिए पड़ रहे हो? अब ये मादर चोद आज बच्चे को बदुआएं देना खड़ा हो गया, तेरे बच्चे को ये हो जाए, तेरे बच्चे को वो हो जाए, तो क्यों ना तेरी मुंह बोली बहन को ही हो जाए, जो तुझे इंस्टाग्राम पे बहन मिली थी, क्यों ना उसे ही मौत आ जाए मेरे बच्चे को आने से पहले। और इस चीज में जो का साथ देंगे, जो मुझे उठकर ये कहेंगे कि जी उसको अब सांगू बहन को कुछ ना कहो, क्यों भाई सांगू बहन को कुछ ना कहो, हमारी लांगू बहन की बहुत रिस्पेक्ट है। हरामजादा कुत्ता आदमी, गंद किसी जगह का, पता नहीं कौन सी नाली की ये पैदावार है, ये मादर चोद किसी गंदी नाली की पैदावार है, ये दल्ला वहां पर बैठा हुआ है। दल्ले मुझे ज्यादा मजबूर मत कर यहां से, नहीं तो मैं टिकट लेके ना तेरे पास ही पहुंच जाऊंगी। अगर तूने इस किस्म की ज्यादा बकवास की तो, और वैसे भी जो मैंने पुलिस रिपोर्ट करवाई है ना, वो उसने मुझे यही कहा था कि तू बैठा है न्यूयॉर्क में, मैं बैठी हूँ कैलिफोर्निया में, तो दो स्टेटों के दरमियान है, इनको वहां की पुलिस को कहना है, तू यहाँ मेरे शहर में तो नहीं है ना मादर चोद, तब तक मुझे उंगली मत कर। दल्ले तुझे मौत आ जाए, और तेरी उसको सांगू को मौत आ जाए, और तेरे सारे खानदान को मौत आ जाए। जो तू खा के रात को सोता है ना, अल्लाह करे तुझे खाना भी नसीब ना हो, और मेरी काली जुबान है, काली जुबान है मेरी, ये बात याद रखी। मेरी जुबान के आगे काला निशान है, तू मरेगा ही मरेगा, अब तू मरेगा, तुझे मौत आएगी, तुझे मौत आएगी, तुझे मौत आएगी। आमीन आमीन आमीन। तूने मेरे कलेजे को हाथ डाला है ना, तूने मेरे बच्चे के लिए कहा कि उसको उसको ऐसे हो और वैसे हो, तुझे मौत आएगी और तेरी सांगू को मौत आएगी। आमीन सुम आमीन।
मैं देखती हूँ तो कितने दिन जिंदा रहता है अब, मैं देखती हूँ कितने दिन कैसे तुम लोगों की यहाँ बदमाशी चलती है, तुम लोग आइडिया उड़ाते हो। चोद, इसको तमीज ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि पहले उस कंजरी रांड को तूने क्या रोकना था मेरे बच्चे का मेरे साथ सेक्स करवाने पे। तू तो खुद मेरे बच्चे को बद्दुआएं बैठा दे रहा है, मादर चोद। मुझे क्या है जो कहना है, तू मेरे बच्चे तक किस लिए पहुंचता है दल्ले? मैं भी उस सांगू तक फिर क्यों ना पहुंचू? तुम दोनों को कैंसर हो, अल्लाह करे तुम लोग तीनों को। बल्कि वो जो तीसरी रांड जोन थी बॉम्बे में बैठी थी, और ये सांगू और तू, तीनों को कैंसर हो अल्लाह करे। उन दोनों को फुद्दे का कैंसर हो, और तू, तेरे को टट्टों का कैंसर हो, या तेरी गांड में फोड़ा निकला है बवासीर होके, और तू मर जाए, और तू मर जाए, मर जाए, मर जाए। कितनी दफा मैंने आज की लाइव में कह दिया, तू मरेगा इंशाल्लाह ताला, तू मरेगा। तूने मेरे बेटे को बद्दुआ दिया ना, तू मरेगा, तुझे मौत आएगी। पनौड़ी दल्ले हरामजादे कुत्ती के बच्चे, तुझे मौत आएगी, और ऐसी गंदी मौत आएगी ना कि तेरे मुंह में कोई पानी का कतरा तक नहीं डालेगा। जो तुझे तस्वीरें दिखानी है दिखा, किसी के बाप से नहीं डरती मैं यहां पे। दिखा मादर चौथ, हमारी वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग नहीं है तेरे पास, वो भी दिखा दल्ले, वो क्यों नहीं दिखाता? वो जो सी कंजरी कहती है ना, उसकी तो कुछ भी काली जुबान नहीं होगी जितनी मेरी है। ये बात मेरा सारा खानदान कहता है। तो अब तो तू मरेगा, और तेरी सांगू भी मरेगी। तूने मेरे कलेजे को हार डाला, तूने मेरे बच्चे के लिए बोला, तू नहीं बचेगा। तेरी मौत आए, और तेरी मौत मैं देखूं अपनी आंखों से मादर चौद, और तेरे प्यारों की भी मौत आए। पता नहीं कौन सी कंजरी रांड थी जिसने तुझे इस दुनिया में भेज दिया हरामजादे, पता नहीं कौन सी कंजरी थी जिसने पता नहीं कितने लंडों का लेकर, और उसके बाद तेरे जैसा तुखम निकाला, गंदे आंडे, गंदे बुस्से हुए आंडे दल्ले। बूढ़ा पति, बूढ़ा पति, सारी दुनिया में वो मेरे पति की पिक्चर देख चुकी है, जो मादर चो तूने इधर उधर डाली है, तेरे भड़बों ने इधर उधर डाली है। मुझे ये बताओ, वो पुलिस वाला मेरे घर में जब एंट्रेंस डोर से निकलते हैं ना, तो वहां पर एक फोटो गैलरी सी मैंने बनाई हुई है, उसमें मैंने तकरीबन 200-250 पिक्चर लगाई हुई है। वो पुलिस वाला, क्योंकि पहले मैं उसको इसकी वीडियो दिखा रही थी, इसकी सारी वीडियोस ना रिकॉर्डिंग पे, तो वो जब निकलने लगा ना, तो मुझे कहता यार तुम्हारा हस्बैंड तो इतना हैंडसम है, और उस गाय से तो वो कहीं ज्यादा हैंडसम है। तुम मेरे पति को कहता है बूढ़ा पति, एक दफा उसके साथ अपनी पिक्चर तो रख के देख ले कि बूढ़ा तू लग रहा है कि वो लग रहा है। मादर चौथ, उसकी तो फिर भी अच्छी भली पर्सनैलिटी है, तेरे अंदर क्या है गंडवे? काली तेरी पोलियो जैसी तेरी टांगे हैं छोटी छोटी, जिनमें तू कच्छा पहन के खड़ा हो जाता है मादर चोद, और ऊपर तू वो वालमार्ट से जो 5-10 डॉलर की यहाँ शर्टें मिलती है ना, जिनके ऊपर वो फूल बने हुए होते हैं, वो शर्टें तू पहन के फिरता है दल्ले। कुत्ते जो रात को तू रोज मूत पी के सोता है ना, अल्लाह करे उसी मूत पिए पिए में ही तू मर जाए, तू सुबह उठे ही ना। मेरी कोई जरा सी भी नेकी मेरे खुदा ने आज तक देखी है ना, और उसको अगर पसंद आई है, तो या अल्लाह ताला इस पनोड़ी मादर चोद को मौत दे दे, और इसके प्यारों को भी मौत दे दे, आमीन सुम आमीन, और इसको तड़पता मैं देखूं। ये मेरे बच्चे को बद्दुआ देगा, मैं अपने बच्चे के लिए सारी दुनिया से लड़ जाऊंगी मादर चोद। तू क्या चीज है कर, तू कितना क्या, तू किस हद तक तू मेरे लिए कर सकता है, तू उस हद तक कर, मैं तुझे चैलेंज देती हूँ। तू मुझे नंगा कर दे, तू मेरी नंगी पिक्चर डाल दे, तू मेरे
किसी की पिक्चर डाल दे, मैं नहीं हटूंगी दल्ले, मैं तेरा और तेरी सांगू की मौत की दुआ हर रोज बैठ के अब करूंगी। और तेरे मुंह में जो सा रोजी का दाना जाता है ना, अल्लाह करे खुदा तुझसे वो भी छीन ले। मैं अपने खुदा के साथ साथ तेरे भगवान के आगे भी दुआ करती हूँ कि खुदा तुझसे और भगवान तुझसे वो चीज छीन ले, तूने एक माँ के कलेजे को हाथ डाला है, अल्लाह करे भगवान करे तुझे मौत आए और कुत्ते वाली मौत आए।